नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मशीन प्रेस शॉप में कैसे चलाई जाती है बताएंगे। सबसे पहले आपको हैंड ग्लव्स पहनना है, बिना हैंड ग्लव्स के मशीन नहीं चलानी है, ठीक है। ईयर प्लग है उसको पहनना है, शूज पहने होने चाहिए, ठीक है। अब मशीन का चालू कैसे करते हैं ये देखो, ये पैनल है, कंट्रोल ऑन करेंगे इसका, ये ग्रीन मशीन से मोटर ऑन करेंगे, ग्रीन बटन से इसका मेन मोटर ऑन होता है, ठीक है। तब तक मैं और चीज़ बता देता हूँ, मोटर स्टार्ट हो रही है। ये फोटो कार्ड है सेंसर, इसको चेक करते हैं आप, जैसे ही हैंड आएगा वो जो बटन है वो बंद हो जाएगी, जो लाइट इंडिकेटर है ये देखो, ठीक है, इसमें एक लाइट ऑन होती है ऐसे करके, ठीक है। अगर ये इधर आओ, इधर से देखो, ये जो हरा वाला ये जल रहा है ना बटन, ये रेड हो जाएगा, ग्रीन हो गया। अगर ये ऐसे हो रहा है तो ये सेंसर सही काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको जरूर चेक करना है, पीपीस पहनना है, हेलमेट पहनना है, ठीक है। और ये मोटर दाल है, ठीक है। और ये इमरजेंसी बटन है, ये दो पुश बटन है जिससे मशीन ऑपरेट होती है, ठीक है। मशीन तभी आप चालू करोगे, चलाओगे, जब टाई सेटर आपको सेट करके दे देगा, ठीक है। सेट करने के बाद आप टाई में पार्ट चेक करोगे, कोई पार्ट डबल तो नहीं लगा है, पार्ट लोड कैसे करना है, अनलोड कैसे करना है, ये आप देखोगे, आपको टाई सेटर बताएगा। अगर आप ऑपरेटर हो फिर भी एक बार पूछना है। और ये जो आप आ गया मशीन को चलाते समय, ये जो स्क्रैप या जो ये दाल निकलती है इसको हटाते जाना है। अगर पंचिंग का या कटिंग का टूल है, समय समय पे 5 पार्ट 10 पार्ट या जैसे तुम्हारा ऑपरेटर सुपरवाइजर बताता है, ठीक है। और इसको ये पुश बटन है, अभी इंच मोड पे है मशीन, ठीक है, सेटअप मोड बोलते हैं, ठीक है। हटा लेना है इसको, टीडीसी पे आना है आके, तभी हाथ छोड़ना है, ठीक है। और बीच में हाथ नहीं डालना है, ये ऑलरेडी चेक करना है आपको, ठीक है। आप पार्ट में जब भी कोई डिफेक्ट या प्रॉब्लम आती है तो अपने सुपरवाइजर को बताना है, साथ ही साथ आपको ये देखना है जो भी पार्ट चलता रहेगा आपको, ये ड्रॉइंग जो पी एस है इसके बारे में जरूर पढ़ना है, ये किस पार्ट को कैसे चलाना है और क्या क्या सावधानियां रखना है, ठीक है। खराब पार्ट कंपनी की कॉस्ट को बर्बाद करता है, एक पार्ट की कीमत 400, 500, 1000 कितनी भी हो सकती है, जो कि कंपनी का नुकसान होगा अगर आप देख के नहीं चलाओगे। सावधानी नहीं, मशीन में कोई आवाज़ नॉइज आती है तो आप इमीडिएट इस इमरजेंसी बटन को दबा देंगे, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।